नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा पाल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उज्जयी प्राणायाम कैसे किया जाता है या उज्जयी ब्रीदिंग कैसे लिया जाता है। किसी फॉलोअर्स ने मुझसे ये सवाल किया था, तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए बात कही थी, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। तो चलिए पहले सीखते हैं कि कैसे किया जाता है उज्जयी ब्रीदिंग और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। उज्जयी ब्रीदिंग खासकर थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ऑबेसिटी के लिए अच्छा होता है, और थायराइड की वजह से भी कई बार हमें ऑबेसिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इन चीज़ों से हमको अपने आप को सेफ रखने के लिए हमको लगातार उज्जयी ब्रीदिंग करनी चाहिए, हर दिन इसका प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसमें हमारे मेन जो रोल होता है हमारे जो वोकल कैविटी, मतलब हम जब सांस लेते हैं अपने गले के जरिए हमें साउंड निकालना होता है। कैसे करके करना है, यहाँ पे एक घर्षण फील होगा आपको, जैसे ध्यान से मुझे देखें और फॉलो करें। एक लंबी गहरी सांस, देखते जाइए किस तरह से मैं सांस भर रही हूँ। एक आवाज के साथ आपका वो होगा, आवाज निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज घर्षण को फील करना है आपको। फील करते हुए उसको होल्ड करेंगे, उसके बाद धीरे से आप रिलीव करेंगे। अब जब रिलीव करेंगे नॉर्मली आपको ब्रीदिंग छोड़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, 3 से 4 बार हम इसे दोहराएंगे। इसी तरीके से नॉर्मली आपको सांस गले के साथ लेते हुए एक आवाज निकालेंगे, फिर कुछ समय आपको चेन को चेस्ट से लगा करके ब्रीदिंग को होल्ड करनी है। उसके बाद आप कुछ समय होल्ड करने के बाद करीबन 1 से 2 सेकंड के लिए, उसके बाद आप नॉर्मली अपना लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे राइट को प्रेस करते हुए। इसे 3 से 4 बार आप दोहरा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई है जरूर कमेंट करें, मैं इसे और अच्छे से आपको क्लियर करूंगी। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उज्जयी ब्रीदिंग में हमारे गले का जो है मेन रोल है, आपको गले से ही साउंड को क्या होगा, गले से होते हुए वो नॉर्मली आप ब्रीदिंग ले सकोगे। चलिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।